नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जनरल एंट्री के हमने फॉर्मेट पढ़ लिए थे कि हाउ मेनी कॉलम्स इन अ जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के कॉलम्स को बेटा पढ़ने के बाद हमने वहां पे शायद आपको कुछ एंट्रीज भी बताई थी, जस्ट लाइक ओपनिंग एंट्री हमने बता दी थी। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बच्चों हमने आपको बता दिया था सेल्स की एंट्री, सेल्स के 3-4 केसेस बताए थे, 4 से 5 केसेस। और इसके बाद बच्चों हमने आपको बताया था आफ्टर सेल्स के बाद शायद परचेज। बस इतनी चीजें हमें याद है जो हमने आपको लास्ट टर्म पे पढ़ाई थी। एक था सेल्स, एक था परचेज, एक था ओपनिंग एंट्री। 4 to 5 एंट्रीज रिलेटेड टू सेल्स एंड 4 to 5 एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज एंड द सिंगल एंट्री ऑफ ओपनिंग एंट्री, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज बच्चों बात की जाती है कुछ अनदर एंट्रीज की, क्या इसके अलावा और कौन कौन सी एंट्री बनती है, कौन कौन से केसेस आते हैं। आइए देखते हैं इसके अलावा कौन कौन से एंट्रीज बनती है, कौन कौन से केसेस आते हैं। एक एक चीज को ध्यान से समझते जाइएगा। डेली में 2 से 3 टॉपिक ही आपको समझाऊंगा, 2 से 3 टॉपिक, जिससे कि आपको समझने में भी आसान हो, लिखने में भी आसान हो। तो जो बच्चे न्यू हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं, वो बेटा पिछला वीडियो जाके देख लें, ठीक है, जीनियस जीपीएससी ऑनलाइन स्कूल पे जाके आप देख लीजिए, तो वहां पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। नहीं तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं तो उनको फॉर्मेट वगैरह समझ में आ जाए, कैसे हम फॉर्मेट बनाते हैं, वहां हमने सब कुछ सिखाया है, ठीक है। आइए बच्चों आज बात की जाती है आगे की एंट्रीज पे, जो बाकी की एंट्रियां हैं। तो बेटा एक एंट्री यहां पे जो आपकी आती है डेट इज कॉल्ड अ ड्रॉइंग। जो एक एंट्री आपकी आती है ड्रॉइंग, आज जो हमें पढ़ना है, आज जो हमें पढ़ना है वो इन्हीं 2-3 टॉपिकों पे बात की जाएगी। पहला है यहां पे आपकी ड्रॉइंग बच्चों, दूसरा जो है वो है डिस्काउंट। जिस तरह हमने आपको परचेज और सेल्स पढ़ा दिया था कि परचेज कैसे होता है या सेल्स की एंट्री हम क्या बनाते हैं, तो आज इसी तरीके से बात की जाएगी यहाँ पे ड्रॉइंग की और डिस्काउंट की, कि कैसे कोई ये ड्रॉइंग क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, हम सीखेंगे आज, और इसकी एंट्री क्या बनती है ये भी हम आपको आज बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों आओ पहला टॉपिक देखते हैं, डेट इज कॉल्ड अ ड्रॉइंग। ये ड्रॉइंग है क्या, ये बेटा ये आर्ट नहीं है, जो आप लोग आर्ट बनाते हो उसे हमसे, हमारा एक आर्ट का सब्जेक्ट था 10th में, हम उसे ड्रॉइंग कहते थे। तो डेट इज नॉट अ ड्रॉइंग ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ अ आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ड्रॉइंग का मतलब अकाउंटेंसी में होता है, इसका मतलब समझिएगा, व्हेन अ ओनर विथड्रॉ सम अमाउंट एंड गुड्स फॉर देयर पर्सनल यूज, व्हेन अ ओनर विथड्रॉ सम अमाउंट और गुड्स फॉर देयर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस, डेट इज कॉल्ड अ ड्रॉइंग। मीन्स जब एक ओनर ये हु इज दिस, He is the owner of the company. जब एक ओनर बेटा अपने बिजनेस से, ये उसका बिजनेस है, जब एक ओनर अपने बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, क्या बेटा, अमाउंट विड्रॉ, विड्रॉ मतलब जब वो पैसा निकालता है। एक ओनर जब अपने बिजनेस से पैसा निकालता है, क्यों निकालता है, फॉर देयर पर्सनल यूज, फॉर देयर पर्सनल यूज। जब एक ओनर अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है, भाई मान लीजिए मैं ये मेरा बिजनेस है, मैं इसका ओनर हूं, मुझे कुछ पर्सनल एक्सपेंस या मेरे कुछ पर्सनल खर्चे आ गए जिसकी वजह से मुझे अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकालना पड़ा। तो बेटा जब हम पैसा अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे, बस ध्यान यहां देना, कौन निकालेगा, ओनर, ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस विड्रॉ अमाउंट फॉर देयर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉइंग, दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉइंग। अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉइंग, देन व्हाट इज द आंसर, व्हेन अ ओनर विड्रॉ अ अमाउंट फॉर देयर पर्सनल यूज इज कॉल्ड अ ड्रॉइंग। तो क्या सर सिर्फ पैसा ही निकालता है या और भी कुछ निकालता है? बेटा देखो बिजनेस में दो ही चीज होती है, या तो क्या होगा, कैश होगा, भाई वो अपने पर्सनल यूज में कैश को वो बिजनेस से निकाल सकता है, या फिर क्या निकाल सकता है, गुड्स, जो कि सामान है, वो इसे भी अपने यूज में ले सकता है, ठीक है। अब बेटा देखो यहां पे, चूंकि ओनर ने पैसा निकाला,
उन्हें के पास पैसा आ गया, उन्हें हो गया पाने वाला। अब यहाँ पे ये ड्राइंग का जो सिम्टम्स होता है ये होता है कैसा, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? तो बस एक चीज दिमाग में याद रखना जिससे तुम्हें एंट्री बनाने में दिक्कतें ना आए। ड्राइंग के आगे बेटा क्या लगा है, ड्राइंग के आगे क्या लिखा है, डी। और डी कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं ना, डी कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो एक सिंपल सा याद रखना लॉजिक है ये थोड़ा सा, कि इससे भूलो ना कि ड्राइंग हमेशा क्या होती है बेटा, ड्राइंग हमेशा क्या होती है, तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। क्या होती है, डेबिट, ठीक है। तो देखो ड्राइंग हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक। अब एक एंट्री को बनाने में, एक एंट्री को बनाने में दो दो पार्ट की जरूरत होती है, पहला तो हो गया डेबिट और दूसरा हो गया क्रेडिट। क्रेडिट साइड के लिए हम टू का यूज होता है, डेबिट के लिए डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट के लिए हम बेटा टू लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, ड्राइंग अकाउंट यहां पे, सॉरी ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे या कुछ गुड्स निकाले जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब बेटा हमने निकाला क्या, अगर बेटा हमने कैश निकाला है तो टू में क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। अगर बेटा हमने कैश नहीं निकाला है, क्या निकाला है, गुड्स निकाला है, तो क्या लिख देंगे, टू गुड्स अकाउंट। मतलब अगर हमने कैश नहीं निकाला, क्या निकाला, गुड्स निकाला, तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। और बेटा अगर हमने कैश निकाला तो क्या एंट्री बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर बेटा हमने दोनों निकाला है, बिजनेस से ओनर ने दोनों विड्रॉ किया है, मतलब कैश भी विड्रॉ किया है और गुड्स भी विड्रॉ किया है, ठीक है, कैश भी विड्रॉ किया है और गुड्स भी विड्रॉ किया है, तो बच्चों उस कंडीशन में ये दोनों आएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू गुड्स अकाउंट। तो मेरे ख्याल से एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। कॉलम्स मैंने पहले ही आपको बताए थे, हाउ मेनी कॉलम्स, फाइव कॉलम्स, दिस इज अ फाइव कॉलम, ओके, that one is a five columns, the first one is a date, either particular, LF, amount, और बेटा ये amount, ये debit का amount है, ये credit side का amount है, एक debit का amount था, एक credit का amount था। इतनी चीजें तो मैंने आपको पहले की videos में आपको बता दी थी और आपको सिखा भी दी थी, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। अब बच्चों आगे जो है बात की जाती है, तो इसके अमाउंट कैसे डालेंगे, तो ये भी मैंने आपको बताया था। सपोज दैट ओनर ने कैश विड्रॉ किया बिजनेस से, कैश निकाला 5000 और गुड्स विड्रॉ किया 1000, आपको ट्रांजेक्शन लिखा हुआ मिलेगा, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, साफ साफ क्वेश्चन में आप देखोगे आपको लिखा हुआ मिलेगा विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कभी भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ होगा तो क्या आ जाएगा बेटा, ड्राइंग आ जाएगा, और ड्राइंग हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। सबसे पहले क्या लिख देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब बेटा यहाँ पे देखो हमने कैश भी निकाला है और गुड्स भी निकाला है, तो हमने दोनों यहाँ पे लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश टू गुड्स। अब से अमाउंट कैसे डालेंगे, तो देखो बेटा कैश हमने कितना निकाला है, 5000, कैश कहाँ था, क्रेडिट साइड में था ना, और क्रेडिट साइड कौन सा होता है, IHS वाला क्रेडिट साइड होता है। कैश के सामने हम यहां पे कितना अमाउंट लिख देंगे, 5000, कैश निकाला था, कैश के सामने लिखेंगे 5000, जब कैश निकाला तो। इसके बाद क्या निकाला, गुड्स निकाला 1000 का, तो गुड्स जब विड्रॉ किया तो यहां पे इसके सामने 1000 लिख देंगे, ठीक है। और बेटा जनरल का ये रूल होता है कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, तो क्रेडिट में हमने कितना लिखा, 6000 लिखा कि नहीं लिखा, 5000 ये, 1000 ये, there is a 6000 in a credit side, तो बेटा इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना है 6000, और उसी को कहां लिख देंगे, डेबिट में, कि टोटल हमने 6000 रुपीस का कैश एंड गुड्स विड्रॉ किया, ठीक है। तो ये अमाउंट डालने का तरीका होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू गुड्स। कैश कितना निकाला, 5000, गुड्स कितना निकाला, 1000, दोनों को एड किया, कहां लिख दिया, ड्राइंग अकाउंट में। ये ड्राइंग एंट्री कंप्लीट हो जाती है ड्राइंग। और हाँ एक बात याद रखना, ये जो लाइन है बेटा आप टोटल मत खींचिएगा, ठीक है, ये लाइन सिर्फ यहां से यहां तक खींची जाती है बस। जब आप लाइन को ड्रॉ करोगे
तो स्किल्स हैं, आप यहां से यहीं तक जो पर्टिकुलर का कॉलम होता है इसी कॉलम को सिर्फ लाइन खींचेगा, बाकी कॉलम्स में लाइन मत खींचिएगा, नहीं तो आपका अकाउंट वहीं पे बंद हो जाता है। अगर आपने अमाउंट के कॉलम में लाइन खींच दी तो इसका मतलब होता है बेटा कि आपकी एंट्रियां यहीं पे खत्म हो गई, अब आप इसके आगे एंट्री नहीं बना सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और यहाँ पे लाइंस मत खींचेगा, ठीक है? सिर्फ लाइन यहां से यहां तक खींचेगा एंट्री को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आज मैंने एक आपको केस बता दिया ड्राइंग का, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। समझ में आ गया हो बच्चों तो मैसेज में लिख के भेज दो कि यस सर समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो पॉइंट अपना नोट कर लीजिएगा, लास्ट में जब मैं टाइम दूंगा आपको पूछने का तब आप पूछ लीजिएगा कि हाँ सर यहाँ बता दीजिए नहीं समझ में आया। और समझ में आ गया होगा तो मैसेज में टाइप कर दीजिएगा यस सर समझ में आ गया। आइए बच्चों बात की जाती है, एक टॉपिक खत्म हो गया, डेट इज कॉल्ड ड्राइंग अकाउंट। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको मिले कि विड्रॉ देयर पर्सनल यूज, कभी भी आपने ट्रांजेक्शन में देखा अगर पर्सनल यूज का एंट्री है तो मतलब वो ड्राइंग होता है, ड्राइंग की ये एंट्री होती है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? आइए अब बात की जाती है बेटा, एक टॉपिक खत्म हो गया। तो अभी तक मैंने आपको ओके ओके ठीक है बेटा, दीक्षा आदित्य सबने कहा सर समझ में आ गया, वेरी गुड। अब बेटा बात की जाती है, मैंने आपको कौन कौन से यहाँ टॉपिक पढ़ाए, पहला पढ़ा दिया आपको ओपनिंग एंट्री, ध्यान से देखना मैंने यहाँ पढ़ाया क्या क्या। ओपनिंग एंट्री ये मैंने पढ़ा दी, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो एंट्री क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा बच्चों हमने आपको क्या पढ़ाया, सेल्स से रिलेटेड चीजें। तीसरा हमने आपको क्या बताया, परचेज अकाउंट से रिलेटेड चीजें। और चौथी चीज जो आज मैंने आपको बताई, फोर्थ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ ड्राइंग। इतनी चीज बेटा मैं आपको बता दिया, और जब आप अपनी बुक के क्वेश्चंस लगाओगे ना तो पहला दूसरा तीसरा चौथे क्वेश्चंस में आपको यही सब चीजें दिखाई देंगी। आप देखोगे वहां पे ओपनिंग एंट्री, सेल्स, परचेज एंड ड्राइंग, आपको कहीं ना कहीं पर्सनल यूज के बारे में वहां साफ साफ लिखा होगा, अमाउंट विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, ड्राइंग होता है, ठीक? अब बच्चों बात की जाती है, जो आज का टॉपिक था इसका सेकंड टॉपिक यहां तक मैंने पढ़ा दिया, पांचवा टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड अ ड्राइंग, सॉरी डिस्काउंट, नॉट अ ड्राइंग। दैट इज कॉल्ड अ डिस्काउंट, ओके? अब बच्चों इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से सीखना, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर सब कुछ तो समझ में आ जाता है क्योंकि सबके एक नॉर्मल एंट्री या सिंगल एंट्री बनती है, लेकिन सर हमको डिस्काउंट नहीं समझ में आता। बच्चे पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज होते हैं, सर ये कहाँ जाएगा, डेबिट जाएगा, क्रेडिट जाएगा, कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे। तो बेटा आज मैं जो बताऊंगा एक एक चीज को ध्यान से समझना, कहीं भी डाउट होगा लिख लेना, लास्ट में मुझसे पूछ लेना, ठीक है? लेकिन उम्मीद है कि समझाऊंगा तभी समझ में आ जाएगा और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। तो ये बात की जाती है जो आज का टॉपिक है, That is called a discount. क्या बच्चों? Discount. बेटा discount. Business में discount आप सभी जानते हो, discount क्या होता है, जब आप मॉल में जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो या भी कोई भी सामान आप खरीदने जाते हो तो कभी कभी आपको छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है कि सामान या प्रोडक्ट क्या होता है, जो प्रोडक्ट अपनी एमआईपी प्राइस से कम पे मिलता है। सपोज दैट अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपीज है, इस प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपीज है और ये आपको 8 रुपीज में मिल जाता है, 8 रुपीज में, बेटा 2 रुपीज का आपको क्या मिला, डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला? भाई 10 रुपीज का प्रोडक्ट, एमआईपी तो 10 है ना, लेकिन आपको मिला वो 8 रुपीज में, तो बेटा 2 रुपीज वहां पे आपको क्या मिल गया, वो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट का एक सिंपल सा मीनिंग होता है, जब भी कोई भी प्रोडक्ट हमें उसके एमआईपी प्राइस से कम पे मिलता है, एमआईपी प्राइस से कम पे मिलता है तो जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज कॉल्ड अ डिस्काउंट, ओके? चलिए आइए बात की जाती है कि डिस्काउंट यहां पे कितने तरीके से होता है, कितने टाइप्स होते हैं डिस्काउंट के। बेटा देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट इन अ बिजनेस, देयर इज अ 2 टाइप ऑफ डिस्काउंट। पहला होता है बच्चों ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये पहला टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट। और बेटा दूसरा टॉपिक होता है आपका कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखना ये दोनों होते क्या हैं।
पहले इनका कॉन्सेप्ट समझिए कि सर, हाँ सर जी, ये तो समझ में आ गया, डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, लेकिन ये होते कैसे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कोई ट्रेड डिस्काउंट है कोई कैश डिस्काउंट है। अगर आप शॉप पे जाते हो, कभी आप शॉप पे जाइए और आप कोई भी सपोज दैट एक अच्छी सी कोई नमकीन या बिस्किट आप खरीदिए, जब आप बिस्किट खरीदते हो नमकीन का पैकेट खरीदते हो, कभी कभी देखो वो पैकेट पे ऐसे पैकेट होती है नमकीन की पैकेट, यहां पे ऊपर लिखा होता है 50% ऑफ, आपने देखा होगा 50% ऑफ होता है, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप उसकी प्राइस देखते हो तो वहां पे ऐसे लिखा होता 10 रुपीज, उस पर ऐसे लिखा होता कि अभी 10 का नहीं है और उसके आगे प्राइस क्या लिखी होती 7 रुपीज होता है। कभी आप मॉल में जाइए, मॉल में जो भी प्रोडक्ट आप उठाते हो उस पर स्टिकर लगा होता है 50% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, होता है कि नहीं होता। सपोज दैट आप एक मॉल में गए और वहां पे एक अच्छी सी शर्ट टंगी हुई है, आपको एक शर्ट लेना था, जब आपने शर्ट को देखा तो शर्ट पे एक स्टिकर एक टैग ऐसे लगा हुआ था, उस पर लिखा था 50% ऑफ, ठीक है बेटा, जो आपने स्टिकर देखा 50% ऑफ, जब आपने उसकी प्राइस देखी तो प्राइस उस पर लिखी थी 500 रुपीज, 500 रुपीज, ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपने उस शर्ट की प्राइस देखी 500 रुपीज और उस पर लिखा क्या था 50% ऑफ, तो बच्चों आपको वो शर्ट कितने रुपए में मिलेगी? तो सर ये तो आसान सी बात है, सर हमने टैग देखा 500 रुपीज का, 50% ऑफ है, कोई चीज 50% छूट पे मिलेगी, तो उस शर्ट के लिए हमें 250 रुपए देना पड़ेगा, उस शर्ट के लिए हमें 250 रुपए देना पड़ेगा, वो शर्ट हमें 250 में मिल जाएगी क्योंकि MRP उसकी 500 है लेकिन उस पर लिखा क्या था 50% ऑफ। तो बच्चों ये बताओ क्या ये चीज उस मॉल में किसी ने आपको बताई क्या? नहीं, आपको उस मॉल में किसी ने ये चीज नहीं बताई, आपने सिर्फ प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट पे टैग लगा था, आप अपने आप समझ गए कि ये 50% ऑफ है, 500 की चीज हमें 250 में मिल जाएगी, समझ में आया? तो जो भी डिस्काउंट आपके प्रोडक्ट में इंक्लूड होता है, आपके पैकेट में इंक्लूड होता है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सर ये ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है। अब जब बात की, बस अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो ये होता क्या है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो भी डिस्काउंट पैकेट में इंक्लूड है, अगर बच्चों ये सपोज दैट ये क्या है, इंक है, अगर मैं इस पे यहां पे लिख देता हूं कि 50% ऑफ, अगर तो जाहिर सी बात है वो MRP से 50% कम पे मिलेगी, तो क्या हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो भी डिस्काउंट पैकेट्स में इंक्लूड होता है दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट। अब ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया, 500 की शर्ट से 50% ऑफ था वो हमें 250 में मिलेगी, ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। क्या 50% ये वाला 50% हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट, ओके। अब बेटा इस शर्ट को आपने हैंगर से वहां से लिया और आप लेके आए कहां, काउंटर पे, कहां पे लेके आए, काउंटर पे, जहां पे आपको ये 250 रुपए कैश में देना है, जहां पे आपको ये 250 रुपए कैश में देना है। आप जब काउंटर पे आए, खड़े हुए लाइन में लगे, लाइन में लगने के बाद जब आपको पैसे देने की आपका टर्न आया, तब आपने 250 रुपए निकाला और काउंटर पे दे दिया, 250 ही तो दोगे ना, क्योंकि शर्ट तो 250 की थी। अब आपने 250 निकाला और कैश काउंटर पे दे दिया, 250 निकाला कैश पे दे दिया, ये लीजिए 250 की हमारी शर्ट है, लेकिन कैश काउंटर से आपको 25 रुपीज वापस मिल गए। जब आप कैश काउंटर पे 250 दिए तो वहां पे आपको बेटा 25 रुपीज क्या हुआ, वहां पे आपको 25 रुपीज वापस मिल गए। अब जब आपको 25 रुपीज वापस मिल गए तो आपको बड़ी खुशी हुई, क्या 250 की शर्ट थी, पहले ही 50% ऑफ थी, हमें तो 25 रुपए और मिल गया। 25 का मतलब यहां पे बेटा 10% आपको डिस्काउंट और मिल गया, 250 की शर्ट 25 अगर वहां से आपको वापस मिल गया तो वो अब आपको पड़ी 225 रुपए में, पड़ी कि नहीं पड़ी, 250 आपने कैश दिया और 25 रुपए वहां से वापस हो गए, वो शर्ट की प्राइस कितनी पड़ी 225। मतलब क्या था, वहां पे आपको 10% डिस्काउंट और मिला। तो भाई एक बात ध्यान रखना, जब हम कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी पैसा देते हैं या लेते हैं, तो पैसा देते या लेते समय जो डिस्काउंट मिलता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना,
पैसे को देते या लेते समय जो डिस्काउंट मिलता है या हम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। अभी तक देखो यहां पे ट्रेड डिस्काउंट क्या था, हमने पैकेट देखा, पैकेट में इंक्लूड था, हमें पता चल गया ये चीज 50% ऑफ थी, हमें मालूम था वो चीज हमें 250 में मिल जाएगी, लेकिन क्या हमें पता था क्या वो चीज हमें 225 में मिलेगी, नहीं पता था। जब हम काउंटर पे गए और जब हमने पैसा पे किया तब हमको पता चला कि वो 10% और उस पर छूट थी और उसने हमें 25 रुपीज लौटा दिए, कहा सर ये एडिशनल डिस्काउंट था 10% का जो कि हमारा मॉल आपको दे रहा है। तो बेटा ये जो 10% का एडिशनल डिस्काउंट है ये कब मिला, जब हमने कैश को दिया। अगर हम पैसा ना देते और सिर्फ मॉल से कपड़े को देख के चले जाते तो हमें क्या पता चलता कि वो तो 250 का ही मिलेगा ना, दिमाग में क्या होता है तो 250 का ही मिलेगा, आपको ये थोड़ी ना पता था 225 का मिलेगा। तो सिंपल सा एक लाइन में कहना है कि जो भी डिस्काउंट पैकेट्स में इंक्लूड होते हैं उसे बच्चों कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और जो डिस्काउंट कैश के ट्रांजेक्शन के समय दिए या लिए जाते हैं उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम किसी को पैसा देंगे तो भाई पैसा देंगे तो डिस्काउंट हमको मिलेगा भाई, अगर आप किसी को पैसा दोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, तो वो कौन सा होगा, कैश डिस्काउंट। और अगर कोई हमको पैसा देगा तो हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो भी कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोनों चीजें आपको समझ में आ गई कि ये होता क्या है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है, समझ में आ गया। आ गया हो तो मैसेज में लिख के भेज दिया करो यार कि यस सर मुझे समझ में आ गया, ठीक है, अगर आ जाए तो मुझे भी लगेगा चलो ठीक है समझ में आया। तो आइए आगे बात की जाती है, कि सर ये तो चलिए समझ में आ गया ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है, अब इसकी एंट्री हम कैसे बनाते हैं या ट्रांजेक्शन होगा कैसे पहचानेंगे कि इसमें कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है या हम इसकी एंट्री बनाएंगे कैसे। तो बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये दोनों ही वर्ड लिख के आएंगे, ये वर्ड हमेशा लिखा होगा ट्रेड डिस्काउंट, कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट हमेशा गिवन होगा या ये वर्ड लिखा होगा ट्रेड डिस्काउंट, ये भी वर्ड लिखा होता है कैश डिस्काउंट का भी। जब बेटा ट्रेड डिस्काउंट होता है ना तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनती, इसकी कोई भी एंट्री नहीं बनती, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं बनती। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, हमारे ऊपर से बोझ हल्का हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी लिखा होगा तो इसकी एंट्री हम नहीं बनाएंगे, ठीक है इसकी एंट्री बनती भी नहीं है। तो सर इसकी एंट्री क्या बनती है, हाँ इसकी एंट्री बनती है, इसकी एंट्री बनती है। अब देखिए कैश डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, या तो बेटा आप इसको दोगे भाई, डिस्काउंट आपने क्या किया पेड किया, या तो आप डिस्काउंट दोगे या तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बेटा, या तो आप डिस्काउंट दोगे या तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, समझ में आया। बस दो ही तरीके का होता भाई, किसी कोई अगर हमें पैसा देगा तो हम उसको छूट देंगे और किसी को अगर हम पैसा देंगे तो उससे छूट मिलेगी, इतना ही तो होगा, ठीक है सर। ये भी हमको समझ में आ गया कि कैश डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, या तो हम देंगे या तो हमको मिलेगा, ठीक है सर यहां तक हम समझ में आ गया। तो सर ये डिस्काउंट होगा क्या, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो बच्चों एक सिंपल सी चीज सोचो, मैंने आपको जनरल एंट्री में जब मैंने पढ़ाया था पहले आपको पढ़ाया था अकाउंट्स के बारे में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है। तो सोचो दिमाग से, तो डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट समझ में आएगा, क्योंकि बेटा डिस्काउंट हमें दिखाई नहीं देता, हमें दिखता क्या है, कैश दिखता है ना, हमें अगर छूट मिलेगी तो कैश में मिलेगी ना, हमें दिखेगा तो पैसा ना, डिस्काउंट तो फील होगा ना कि हमको छूट मिल गई, डिस्काउंट दिखता है क्या, तो डिस्काउंट किसी को दिखता नहीं है। और जो चीज दिखता नहीं है वो होता है नॉमिनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और बेटा नॉमिनल अकाउंट का जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था, ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट एंड ऑल इनकम इज क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस मतलब जो चीजें हमने दे दी वो एक्सपेंस होता है और जो चीजें हमको मिलेंगी वो इनकम होंगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, डिस्काउंट जब हम देंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट जब हम देंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, और बेटा डिस्काउंट जब हमको मिलेगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। बस इतनी चीजें, इतनी बातें आप याद रखिए। अभी इसको कैसे एंट्री में बनाते हैं मैं भी आपको पूरी एंट्री बना के दिखाऊंगा, एक एक एंट्री बना के दिखाऊंगा, टफ से टफ एंट्री बना के दिखाऊंगा, और आप वहां पे अच्छे से समझ जाइएगा।
ठीक है। तो बच्चों ध्यान में क्या रखना कि सर ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बनती, इसकी कोई एंट्री नहीं बनती, तो सही इससे तो मुक्ति पा गए। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है अगर इसको हमने दिया तो ये हमारा एक्सपेंस होता है एंड ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट। अगर से डिस्काउंट हमको मिलता है तो ये हमारी इनकम होती है एंड ऑल इनकम इज, ठीक है। तो आइए बात की जाती है आगे इसकी, हम जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे। तो बच्चों एक सिंपल सा मैं यहां पर ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा ट्रांजेक्शन। अच्छा दो चीज और, दो बातें और बताता हूं, डिस्काउंट मिलेगा कब या आप दोगे कब। देखो दो चीज आती है, क्या लिखा है परचेस और दूसरा क्या लिखा है सेल्स। बेटा जब आप किसी से सामान खरीदोगे, परचेस मतलब सामान ले आए, तो बेटा जब आप सामान ले आओगे तो पैसा उसको दोगे ना। जब आप सामान ले आते हो तो पैसा उसे देते हो कि नहीं देते हो। जब सामने वाले को पैसा दोगे तो आपको क्या मिलेगी, आपको छूट मिलेगी। तो परचेस की कंडीशन में हमेशा जो डिस्काउंट होगा वो रिसीव्ड होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना, परचेस की कंडीशन में डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। और जब भी डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। मतलब कहीं भी परचेस का ट्रांजेक्शन होगा तो वहां डिस्काउंट हम कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड में। और बेटा सेल्स, हमने सामान बेचा, जब बेचोगे तो पैसा मिलेगा, और जब पैसा आपको मिलेगा तो आपको सामने वाले को छूट देनी पड़ेगी ना भाई, सामान बेचोगे तो छूट तो देनी पड़ेगी। तो यहां पे सेल्स, सेल्स की कंडीशन में हम हमेशा डिस्काउंट को देते हैं, डिस्काउंट पेड होता है। और जब भी डिस्काउंट पेड होगा तो ये हमेशा क्या होगा, डेबिट। तो सर यहां से एक लॉजिक हमने और सीखा कि कभी भी परचेस होगा तो डिस्काउंट हमेशा कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और कभी भी सेल्स होगा तो डिस्काउंट कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। बस इन्हीं दो कंडीशंस में हमें या तो डिस्काउंट मिलता है या तो हम देते हैं। परचेस की कंडीशन में डिस्काउंट मिलेगा और सेल्स की कंडीशन में डिस्काउंट हम देंगे। अब कभी कभी कैश से रिलेटेड चीजें आती हैं, पैसा। तो देखो यहां पे जब आपने सामान खरीदा पैसा जाएगा ना भाई, सामान खरीदोगे पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो छूट मिलेगी। मतलब क्या है, जब भी पैसा जाता है तो छूट मिलती है, और पैसा आता है, यहां पे देखो पैसा आएगा तो हमको छूट देनी पड़ेगी। पैसा जाएगा तो छूट मिलेगी, और पैसा आएगा तो छूट देना पड़ेगा। एक सिंपल सा लॉजिक सोचो जो आपके डेली ट्रांजेक्शन होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए बच्चों बात की जाती है इसकी एंट्री कैसे बनाते हैं, आइए एंट्री देखते हैं। बच्चों देखो मैंने यहां लिखा परचेस गुड्स फ्रॉम मोहन 5,000 rupees एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा अभी सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन बता रहा हूं, एकदम नॉर्मल सा है। क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 5,000 rupees एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब बेटा क्वेश्चन को लगाते समय आपको पढ़ना कैसे है, उसको लगाना कैसे, बस इसको सीखना। जब भी डिस्काउंट का क्वेश्चन पढ़िएगा उसको बीच से तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। तोड़ने का मतलब परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 5,000, यहां तक पहले आप पढ़िए परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 5,000, इसके बाद आप आगे पढ़िएगा एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो देखो यहां पे आपने इसकी एंट्री पढ़ी है, इसकी एंट्री मैंने बताई थी परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, एंट्री क्या बनेगी, तो सर इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन से अकाउंट। सर यहां पे कैश क्यों नहीं आया, परचेस होगा तो सर पैसा तो देंगे ना। देखो बेटा क्या यहां कहीं कैश लिखा था क्या, मैंने आपको बताया था अगर कैश ना लिखा हो ट्रांजेक्शन में तो हमेशा नाम लिखते हैं, और अगर कैश लिखा होगा तो मोहन की जगह कैश लिख देते। आप अगर आप यहां से यहां तक पढ़ो तो देखो कहीं भी आपको कैश वर्ड नहीं दिखेगा। कहीं लिखा है क्या कि मोहन परचेज गुड्स फ्रॉम कैश या परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन इन कैश, नहीं लिखा हुआ है। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब अमाउंट, अभी अमाउंट मत डालिएगा, अभी सिर्फ एंट्री देखिए, एंट्री समझ में आ गई ना, यहां से यहां तक की जो आपने पहले पढ़ी थी वही एंट्री मैंने बना दी। ठीक है सर, अब इसके आगे पढ़ो, एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट।
सर अभी तो आपने बताया कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बनती नहीं है। हाँ बेटा, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बनती, तो ट्रेड डिस्काउंट यहां पे कोई एंट्री नहीं बनेगी। बस होगा क्या, जो अमाउंट होगा ना अमाउंट, इसमें से 10% लेस हो जाएगा, अमाउंट से 10% लेस हो जाएगा। जिस तरह 50% ऑफ था तो आपने पता, आपको पता चल गया कि जो प्रोडक्ट है आपको 250 में मिलेगा, 500 का प्रोडक्ट था 250 में मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि वो 50% ऑफ था। इस तरीके से बेटा अगर 10% यहां पर ट्रेड डिस्काउंट लिखा है तो आपकी एंट्री यही बनेगी, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बनेगी। ये जो अमाउंट है 5000, इसका 10% लेस हो जाएगा। 5000 का 10% निकालेंगे आएगा 500, और 5000 से 500 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 4500। तो बच्चों ये 4500 ये अमाउंट आ जाएगा। तो हमने सीखा क्या, हमने बस यहां पे एक चीज सीखी कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा तो उसका जितने भी परसेंट होगा वो माइनस हो जाएगा अमाउंट से, बाकी एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंट्री नॉर्मल वही बनेगी जो परचेस या सेल्स की एंट्री बनती है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर बात की जाए बच्चों यहीं पे, मैं इस ट्रांजेक्शन को बदल देता हूं, ये तो होता परचेस से रिलेटेड। अगर मैंने यहां लिख दिया सेल्स गुड टू मोहन, जैसे ही बच्चों हमने यहां लिखा सेल्स गुड्स टू मोहन 5000 रुपीज एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बात तो वही हुई सर, वो परचेज था, ये सेल्स हो गई। और सर सेल्स की एंट्री आपने बताई थी कि बनती है क्या, सर उल्टी बन जाएगी, मोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। सर ये आपने बताई थी सेल्स की एंट्री होती है, मोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सर इसमें क्या होगा कि देखो बेटा सेल्स गुड टू मोहन 5000, ठीक है सर समझ में आ गया, एंट्री हमने बना दी एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बनती है लेकिन अमाउंट माइनस हो जाता है, तो 5000 का वही 10% माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 4500। तो आपने सीखा गया कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो नहीं बनती है लेकिन जो परसेंटेज होता है वो अमाउंट से लेस हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सेल्स और परचेज की एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा इसको बदल दूं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल दूं, सिर्फ यहां पे क्या लिख दूं सेल्स गुड टू मोहन, यहां पे मैंने देखो लिख दिया इन कैश, क्या लिख दिया इन कैश, सेल्स गुड टू मोहन इन कैश 5000 रुपीज। तो बेटा एंट्री में क्या चेंजेस आएगी, तो सर आपने बताया था जब कैश होता है तो हम मोहन की जगह कैश लिखेंगे, मोहन की जगह सिर्फ कैश लिखेंगे, मोहन को हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे कैश लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि जब हमने सामान बेचा है तो पैसा मिला है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन कैश। क्वेश्चन में जब भी कैश लिखा होगा तो कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और अगर कैश नहीं है तब बेटा नाम लिखेंगे मोहन अकाउंट, मोहन से अकाउंट डेबिट, और अमाउंट ये डाल देंगे। तो मेरे ख्याल से ट्रेड डिस्काउंट समझ में आ गया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट का किया क्या जाता है या ट्रेड डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन कैसे किया जाता है, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे एक बात लिखता हूं, ध्यान से देखना सेल्स गुड टू मोहन 5000 रुपीज एट द रेट, ये 5000 है, ठीक है 5000 रुपीज एट द 10% डिस्काउंट, ये तो वही था जो मैंने अभी लिखा था। अब बट इसके आगे हमने लिख दिया एंड कैश डिस्काउंट 10% ऑल्सो। बच्चों ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, सेल्स गुड टू मोहन, तो सर कैश तो कहीं लिखा नहीं था तो हमने एंट्री क्या बना दी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ओके। सर आगे क्या लिखा था एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट, सर हमने ट्रेड डिस्काउंट ये देखिए माइनस हो गया, अमाउंट भी डाल दिया एंड कैश डिस्काउंट 10% ऑल्सो। बेटा यहां पे कैश डिस्काउंट भी लिखा था तो क्या सर कैश डिस्काउंट की एंट्री बनेगी, सर अभी तो आपने बताया था कि बनेगी लेकिन बेटा यहां नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, ध्यान से सीखना, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम पैसा देंगे या पैसा लेंगे तभी कैश डिस्काउंट आएगा। अगर हमने पैसा नहीं दिया या पैसा नहीं लिया तो क्या कैश डिस्काउंट आएगा क्या, नहीं सर। ये तो हमको समझ में आ गया
कि आपने यही बताया था कि जब हम काउंटर पे जाएंगे और पैसा देंगे तभी हमको डिस्काउंट मिलेगा या हमको देना पड़ेगा, अदरवाइज हमें डिस्काउंट नहीं देना अगर हम पैसा देंगे नहीं तो, ये तो आपने बताया था। तो बेटा इस ट्रांजेक्शन में देखो, क्या ये ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है क्या? क्या इस एंट्री में कैश है क्या? नहीं, इस ट्रांजेक्शन में कहीं ये नहीं लिखा है कि ये ट्रांजेक्शन कैश में था। तो मतलब ये ट्रांजेक्शन उधार था, क्रेडिट ट्रांजेक्शन था, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं आता है। क्वेश्चन में दिया होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ट्रेड भी दे देगा कैश भी दे देगा। आप बस ध्यान से देखना क्या आपकी एंट्री में कैश है क्या नहीं। अगर हमारी एंट्री में कैश नहीं होगा तो कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, अगर हमारी एंट्री में कैश होगा तो कैश डिस्काउंट आएगा। बस इतनी सी बात दिमाग में रख लो कि अगर हमारी एंट्री में कैश नहीं होगा, हमने ये आधा ट्रांजेक्शन पढ़ा था, हमने देखा ये ट्रांजेक्शन कैश में नहीं था। अगर बेटा हमारे ट्रांजेक्शन हमारी एंट्री में कैश नहीं होगा तो कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, भले ये क्वेश्चन में दिया हो तो क्या हुआ। ये कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी बच्चों को दे दिया जाता है और ट्रांजेक्शन में कैश नहीं लिखा होगा। तो अगर ट्रांजेक्शन में कैश कहीं नहीं है, एंट्री में कैश नहीं है, तो कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। अगर एंट्री में कैश ट्रांजेक्शन होगा, यहाँ पे कैश लिखा होता, तब ये भी आता। और ये तब कैसे आता ये हम बताएंगे कल की क्लास में आपको, या नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। अभी तक आज तक के लिए सिर्फ इतना काफी। आज आपने पढ़ा कि हम ड्राइंग पढ़ा, ड्राइंग के साथ साथ आपने डिस्काउंट के दो पार्ट पढ़े, एक ट्रेड डिस्काउंट एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बेटा ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं बनती, देखो मैंने क्या एंट्री बनाई क्या नहीं बनाई, लेकिन हाँ उसका जो परसेंटेज होता है वो अमाउंट से लेस हो जाता है। ठीक है सर, ये तो हमको पता चल गया, ये हम बना लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट में दिक्कत नहीं आएगी। और बेटा अभी मैंने कैश डिस्काउंट आपको नहीं बताया है, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम वहां क्या पढ़ेंगे, हम वहां पढ़ेंगे कैश डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, हम वहां पे क्या पढ़ेंगे, कैश डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैश डिस्काउंट को कैसे किया जाता है। तो अभी आप लोग सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट तक देखना, कैश डिस्काउंट जब हम टोटल अच्छे से पढ़ा देंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, डिस्काउंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही काफी था, बस आप इतना ही पढ़ लीजिए, इतना ही आपको समझ में आ जाए तो मतलब मेरा पढ़ाना सफल हुआ, मैंने अच्छे से मतलब आपको समझा दिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो कम से कम यार मैसेज तो भेज दिया करो कि हाँ सर, यस सर, समझ में आ गया हमें, कहीं कोई डाउट नहीं है। और कोई डाउट हो तो भी पूछ लो, एक मिनट का टाइम है, पूछ लो। ओके, थैंक यू सर। मेरे अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, आदित्य ने टाइप किया है कि यस हमें समझ में आ गया, मानसी ने भी, निकिता ने भी कहा यस सर, वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है, समझ में आ गया। इसी तरह पढ़ते हो समझते हो और मुझसे जितना भी सीख सको सीख लो, अकाउंट्स में इतनी अच्छी आपको सिखा दूंगा कि अगर थोड़ा थोड़ा भी सीखोगे, ज्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा सीखिए, बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट और पढ़ेंगे कैश डिस्काउंट।